हफ्ते में इस चीज़ को जो अपने घर में यूज़ करता है उसके घर में पैसा ज़रूर आता है। नोटों की गड्डियाँ, नोटों के भरे हुए बैग ज़रूर आते हैं। होते सब ईमानदारी के हैं, उसकी खरी कमाई के हैं, लेकिन जो रास्ते उसको अब तक नहीं सूझ रहे थे वो रास्ते सूझने लग जाते हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी बातें आपको छोटी छोटी और मामूली सी लग सकती हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी चमत्कारी हैं ये। और इसी तरह के उपाय मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा यदि आप ज्योतिषीय सलाह भी चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, जिससे कि आपका जीवन खुशहाल बन सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो चीज़ है, यह है ड्राई मैंगो। जी हाँ, यह है अमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह कैरी का जूस भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आम का रस भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहेगा क्योंकि ड्राई रहता है तो इससे दिक्कत नहीं होती है। आपको क्या करना है, इससे अपना नाम लिखना है। इससे अपना नाम किसी भी साधारण कागज़ पर लिख सकते हो, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हो कॉपी का कागज़ है। इस तरह का कागज़ लेके आपको अमचूर से अपना नाम लिखना है। साथ में जितना आपको धनवान बनना है वो साथ में लिखना है, लखपति करोड़पति कुछ भी आप लिख सकते हो। मित्रों, खट्टी चीज़ों में शुक्र का वास होता है और खट्टी चीज़ों में जो अमचूर है ये इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, और इसको आपको लिखना है किसी भी शुभ मुहूर्त में। अमृत सिद्धि योग या सर्वार सिद्धि योग जिस दिन हो, त्रिपुष्कर योग हो, उस दिन भी आप ये लिख सकते हो। और इसको बहुत ही अच्छे अच्छे अक्षरों में आपको लिखना है। मुख जो है आपका अग्नि दिशा की तरफ होना चाहिए, साउथ ईस्ट दिशा की तरफ। कपड़े आपके शरीर पर लाल रंग के होने चाहिए और आसन भी लाल होना चाहिए। तो इस तरह से अपना नाम लिखिए और अपनी इमेजिनेशन करिए। इसके बाद कोई भी डिज़ाइन इस पर बना दीजिए, चाहे गोला या तिकोना नाम के ऊपर बना दीजिए। और उसके बाद में उसको मोड़कर आप जहाँ माँ लक्ष्मी की तस्वीर और भगवान विष्णु की तस्वीर है उसके नीचे रख दीजिए। माँ लक्ष्मी की अगर वैसे वो वाली तस्वीर है जिसमें दोनों साइड हाथी हैं, वो वाली बहुत शुभ है। इसके बाद आपको एक मंत्र बता रही हूँ, उसका जाप करना आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप चाहें तो खाली श्रीम ही बोल सकते हैं, श्रीम ही बोल सकते हैं, ओम श्रीम श्री एन हमें भी बोल सकते हैं, श्रीम भी बोल सकते हैं और श्री भी लिख सकते हैं साथ में। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जो है अट्रैक्ट होती है। इसके अलावा माँ कमला का ध्यान करें। 10 महाविद्याओं में से कमला भी एक, माता कमला भी एक विद्या है, और उनकी सिद्धि जिसको हो जाती है वो तो बड़े बड़े महलों सभाओं में इज्जत पाता है, और उसके पैसे की कद्र दुनिया मतलब काबिल दुनिया होती है, काहिल क्या बोलते हैं उसको, उसके जो पैसे हैं उसकी जब हर मनुष्य मतलब उसका वो हो जाता है, मुरीद हो जाता है, और उसको लगता है कि वाकई में ये मनुष्य काहिल क्या कायल, हाँ जो शब्द मुझे आप समझ में, उसका जो कायल है हर मनुष्य हो जाता है, हर जगह उसको सम्मान मिलता है। आप जानते हो ना, जो मनुष्य बहुत पैसे वाला है, बड़ी गाड़ी से उतरा है, बड़े महंगे कपड़े पहन रखे हैं, तो वो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना तो भी उसको बहुत इज्जत मिलती है, क्योंकि आज के ज़माने का चलन ही यही है। लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कहती कि जिन जो सब कारों में घूमते हैं सभी ऐसे हैं, बहुत विद्वान योग्य गुणीजन हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ही गुणीजन है। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि एक मनुष्य यदि आइसक्रीम के ठेला बेच रहा है तो लोग सोचते हैं अरे ठेले वाला है, कोई ऑटो चला रहा है, भले ही वो कितना ईमानदार और गुणी इंसान हो। तो आज के ज़माने का चलन ही यही है, और चलन ऐसे लोगों की बोलते जरूर आप बंद करो। कब तक लोग आपके बारे में ऐसी राय बनाते रहेंगे, आपका भी हक है माला माल बनना। तो इस तरह से आपको माँ कमला को ध्यान करना है। आँखें बंद करके माता कमला का स्मरण करें, वो लक्ष्मी स्वरूप ही हैं और लक्ष्मी ही हैं, तो उनका स्मरण करें। आप जितने घंटे मेडिटेशन करेंगे ना, अपना नाम लिखकर अपने ही नाम की मेडिटेशन माँ के सामने माँ की मेडिटेशन करेंगे और अपने नाम की मेडिटेशन करेंगे, और अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को गरीब बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आप प्रेजेंट टेंस में अपने लिए बोलेंगे कि मेरे पास पैसा आ चुका है, मैं धनवान बन चुका हूँ, मैं राजाशाही जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास इतना अथाह पैसा है कि मैं जिस चीज़ पर उंगली रख दूंगा उसको खरीद सकता हूँ, इतने मेरे जेब में नोट भरे हैं, पैसा भरा है, मेरी तिजोरी में पैसे भरे हैं हर तरफ। प्योर ये चीज़ आपको सुबह सुबह खाली पेट दोहरानी है। खाली पेट जब चीज़ कोई दोहराई जाती है तो बहुत जल्दी वो बात बनती है। आप सुबह सुबह करो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोनों टाइम ये जरूर करो इमेजिनेशन, दिया जलाओ दोनों टाइम पे। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, सूर्य देव के समक्ष दिया जरूर जलाएं रविवार के दिन, और सूर्य देव के समक्ष दिया जलाने से सूर्य देव की पावर और दुगनी होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य परेशानी देने वाले होते हैं, जल देकर हम सूर्य देव को थोड़ा कूल करते हैं, अपने अनुरूप बनाते हैं, लेकिन दिया जलाने से हमको उनकी पावर ज़बरदस्त तरीके से मिलती है। कुछ खास चीज़ें जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं उसमें डालते हैं, उसकी पावर हमको ज़बरदस्त मिलती है, तो यहाँ पर हमें वही पावर चाहिए। तो ये काम भी आपको करना है, और इस अमचूर से अपना नाम लिखिए, माँ लक्ष्मी के जो तस्वीर है, विष्णु भगवान की तस्वीर है, वहाँ पर रखिए, और आपको माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण करना है। माँ कमला का विशेष रूप से जो 10 महाविद्या में पैसे देने वाली माता हैं उनका स्मरण करना है आपको। इसके अलावा
आपको एक चीज़ और बोलनी है, धूमावती माता का भी नाम लेना है। और धूमावती माता का नाम लेकर आपको ये बोलना है कि हे माता, मेरे अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, मेरे घर में वो जो चीज़ें हैं, जो दरिद्र है, जो परेशानी, जो मुझे धनवान बनने में बाधक है, उन सबको मेरे जीवन से माता हटाओ। तो माँ धूमावती इस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगी। और माँ जो कमला है, माँ धूमावती भी 10 महाविद्याओं में से हैं और मैं विस्तृत से आपको इनके बारे में बताऊँगी। तो माँ कमला से आप मांगें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ज़रूर जोर जोर से आवाज़ निकाल कर, मतलब घर से बाहर भी ना जाए आवाज़, लेकिन आपके मुख से इतनी तो हो कि अपने कानों तक ही आपको सुनाई दे जाए। मन में नहीं बुदबुदाना है, बाकायदा बोलना है इस बात को। तो सूर्योदय को हो रहा उस समय और सनसेट हो रहा हो उस समय, सनसेट हो रहा हो उस समय आपको पश्चिम की तरफ देखना है, सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की तरफ आपको देखना है। तो इस तरह से आपको ये काम करना है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आपके जीवन में आएंगे। अब इस दौरान आप क्या करें, काले नीले रंग के कपड़े पहनना बंद कर दो। लाल रंग, गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, ये चार रंग के कपड़े ज़्यादा पहनो आप। और पीले रंग के भी कपड़े पहनो। जिनके लिए बृहस्पति शुभ है वो पीले रंग भी पहने कपड़े, जिनके लिए शुक्र शुभ है वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, जिनके लिए शुक्र अशुभ है वो सफ़ेद ना पहने, जिनके लिए बृहस्पति अशुभ है वो पीले रंग के कपड़े ना पहने। एक बाउल में सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूल जरूर अपने घर में रखें और इसके अलावा गेंदे के फूल भी जरूर घर में लगाएं। शुक्र और बृहस्पति जिस घर में प्रसन्नता देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उस घर में करोड़ों अरबों रुपया आता है। मैं इतनी ज्ञान की बात आपको बता रही हूँ, इसको जीवन में उतारना जरूर। ये नहीं कि सुन के और फिर वीडियो देखी बात ख़त्म, ऐसा मत करना। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि ऐसे उपाय आपको बताऊँ जो आपके जीवन में आपको किसी प्रकार का मलाल या दुख तकलीफ ना देवें। मैंने जिन लोगों की कुंडली की जांच करके उनको जवाब दिए हैं, प्लीज़ वो उपाय ज़रूर करें। उपाय आपको इतना ज़्यादा परेशानी से बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा शापित है, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब तक वो उपाय नहीं करेंगे उनकी दाल नहीं गलेगी, आने वाले टाइम में बहुत कष्ट लिखे हुए हैं, इसीलिए मैंने उन लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा उपाय बताए हैं। तो यदि वो उपाय नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फिर मुझे ना बोलेंगे, क्योंकि मैंने तो आपको रास्ता बता दिया, उपाय भी बता दिया, अब आप कर ही नहीं रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, डॉक्टर का काम था मेडिसिन देना, अब कोई मरीज उसको खा ही नहीं रहा है तो इसमें डॉक्टर की क्या गलती। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप में से कोई मरीज नहीं है ना कभी होगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी जरूर चाहिए कि उपाय आपकी भलाई के लिए बताए गए हैं। जिनको मैंने रेकी हीलिंग लिखा है वो करवा लें रेकी हीलिंग, क्योंकि देखो जिंदगी है, अपने सुख है तो ना तो पैसा भी अच्छा लगता है। अगर ज़िंदगी में कोई परेशानी है और पैसा है तो ऐसे पैसे कभी क्या करोगे। तो इस चीज़ की गंभीरता को समझो और रेकी हीलिंग करवाओ, ये बहुत ही कारगर है, स्पेशली जिनकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये वाला उपाय आपको करना है और ये उपाय आप ज़रूर करिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोनों टाइम करिए, डेली करिए, अच्छे से मुहूर्त में इसको चालू कर दीजिए। मंगल शनिवार को अवॉइड करना, ये काम करने के लिए शुक्रवार हो और अमृत सिद्धि योग हो या सर्वार सिद्धि योग हो या कोई भी दिन हो, मतलब आप शुक्रवार को या कब पड़ रहा है अभी मैं नहीं कह सकती, मुहूर्त नहीं निकाला मैंने कोई भी, लेकिन आप पंचांग में या अखबार में कोई भी शुभ मुहूर्त देख लीजिए। मंगल शनिवार को छोड़कर किसी भी शुभ समय पर आप ये उपाय चालू कर सकते हो। इसके उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं। इसके अलावा आपको एक काम और करना पड़ेगा, श्री सूक्त के 11 पाठ डेली करने पड़ेंगे, कुबेर भगवान की एक माला जरूर आपको करनी पड़ेगी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आपको डेली करना पड़ेगा और सूर्यदेव वाले उपाय करने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें जागृत होती हैं। मित्रों देखो, सिर्फ अगर ऐसे ही रखने से कुछ भी हो जाता ना तो हर कोई कर लेता, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। खाली इतना करने से भी आपको रास्ता बनेगा, पर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए ना, बहुत ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, ये काम जरूर करना आप और देखना कितना चमत्कारिक परिवर्तन होता है। अगर आपको मेरे उपाय में विश्वास है तो करते रहिए, एक दिन आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है जरूर उतरी हुई जो गाड़ी जरूर पटरी पर आएगी, आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप खूब खुशहाल ज़िंदगी बसर करोगे। क्योंकि ज़िंदगी में संकट हुए, अभाव हुए, परेशानी हुए, तो ये भी कोई ज़िंदगी ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी वो है जो हंसी खुशी इंसान जिए, जो उसकी तमन्ना है वो उसको पूरा कर सके। मन को मार कर जीना भी क्या जीना है? तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप मन को मार कर मत जियो, आप भी उन सब चीज़ों के हकदार हो जो परमात्मा ने इस दुनिया में बनाई है। अच्छी अच्छी चीज़ें वो भी आपको मिले, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। परमात्मा का नाम लेके ये काम ज़रूर करिए, आपको फ़ायदा होगा। और जो मैंने जाप और पाठ बताए हैं उनको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें जागृत होती हैं।